हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। मुंबई में एक गायिका, बॉलीवुड में गायिका है, वो भी कोरोना पॉजिटिव है और उन्होंने ये जानकारी इंस्टाग्राम पे दी है। जानी मानी गायिका है, लंदन से वो लौटी थी, तो इंस्टाग्राम पर गायिका ने स्वीकार किया, हालांकि हम नाम नहीं बताएंगे आपको उनकी प्राइवेसी को देखते हुए। लंदन से लौटी थी ये गायिका, बॉलीवुड में बड़ी गायिका है और कोरोना पॉजिटिव वो पाई गई है। उन्होंने ये जानकारी इंस्टाग्राम पर दी है। तो बड़ी खबर, जिस तरीके से महाराष्ट्र में लगातार कोरोना पॉजिटिव केसेस बढ़ते जा रहे हैं, वहां के टूर ऑपरेटर्स पर भी रोक लगा दी है महाराष्ट्र सरकार ने, क्योंकि वो लोगों को इस तरह का लालच दे रहे थे कि सस्ते में इस समय टूर हो सकता है और बहुत लोगों को यही कहकर वो एक महीने से ले जा रहे थे और उसके चलते ही विदेश से लौटने वालों की वजह से महाराष्ट्र में ये संक्रमण बढ़ा है। मैं एक बार फिर से रुक कर लेती हूँ मृत्युंजय आपका, आपके इर्द गिर्द में देख रही थी बहुत भीड़ है, इन लोगों को जागरूक कीजिए, इन्हें बताइए कि इस तरह से इस समय भीड़भाड़ में रहना इनके लिए अच्छा नहीं है। बिल्कुल शोभना, और ये अपील एबीपी न्यूज़ भी तमाम दर्शकों से कर रहा है। मेरी कोशिश भी है कि मैं लोगों को बताऊं, लेकिन होता है जब तक आप पर आती नहीं है शायद आप उसका अंदाज़ा नहीं लगाते कि कितनी गंभीर विषय है। इस यह बात बोलकर हम किसी को डरा नहीं रहे, लेकिन जागरूक जरूर करना चाहते हैं। अंकल जी, दवा नहीं है, दवा यही है कि आप बाहर ना निकलें। एक कमेंट मैं इनसे लूंगा, आप सुलझे हुए व्यक्ति हैं, आपने देखा हो थर्मल स्कैनिंग आप देख रहे थे, आपको लगता है कारगर है इतनी भीड़ में? नो 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 सर, ये कोई कारगर नहीं है, ये खाली एक ऐसा ही है और हम लोगों को डराने का, आवाम को डराने का, इससे कोई कुछ नहीं हो रहा। बाहर भी हैं तो भी सुरक्षित हैं और घर के अंदर हैं तो भी सुरक्षित हैं। संक्रमण रोग है ना, अगर एक व्यक्ति को हुआ तो उससे फैलने की पूरी संभावना होती है, बुजुर्गों बच्चों में ज्यादा खतरा है। लेकिन सर अभी उसमें जो है ना, जिन लोगों को है उसको आप ढूंढना है, अभी ये जो है ना तो दवाई निकली उसकी, ये तो पॉजिटिव रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा ना कि किसी को है नहीं है, मुझे है आपको है, ये तो हमारा टेस्ट के बाद पता चलेगा, तब तक तो फैल चुका होगा ना। आपको पता है देश में 4 मौतें हो गई हैं, महाराष्ट्र में 51 लोग इससे संक्रमित तो है, आप ही के मुंबई के घाटकोपर के एक व्यक्ति की मौत हो गई। जी जी जी, वो तो हो गई है मौतें, लेकिन उसके बावजूद भी अभी जो लोग वहाँ गए थे, बाहर गए थे, उनसे फैला, उन लोगों को आप स्टॉप कर दो तो आगे फैल ही नहीं पाएगा। प्रिकॉशनरी लिया जाएगा, लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर सरकार हमारे लिए चिंता कर रही है। अभी देखिए मुख्यमंत्री ने लगातार आह्वान किया कि जो जरूरी दुकानें हैं, खाने पीने का, खाना पीना मतलब राशन की दुकान, मेडिकल की दुकान, बाकी चीजें बंद होंगी। लेकिन देखिए शोभना, थोड़ा तस्वीर दिखा दूं मैं, ये जिस परिसर में हूं मैं नागपाड़ा के, छोटे छोटे लघु उद्योग चल रहे हैं, कारखाने चल रहे हैं। देखिए वो मार्बल की शॉप मुझे दिख रही है, उसके बगल में एक जूता बनाने की दुकान दिख रही है, ये आप बहुत सारे टेम्पो देख रहे हैं, इससे सामानों का आवाजाही शुरू है। मेरी बाई तरफ, इस तरफ आप तस्वीर देखिए, ये कोई रेस्टोरेंट है, खुला हुआ है, लोग आ रहे हैं खाना खाने के लिए। तो सरकार के मैसेज को, यहाँ पर सरकार का जो मैसेज है वो पहुंचाना बहुत जरूरी है और बिल्कुल लोगों की बातें हैं, कुछ लोग समझते हैं। पहले भी बता चुके हैं, हम पहले भी बता चुके हैं कि बॉलीवुड की जानी मानी गायिका कोरोना पॉजिटिव संक्रमण से पीड़ित पाई गई हैं और उन्होंने ये जानकारी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर दी। और बॉलीवुड गायिका का नाम कनिका कपूर है, आप भी जानते होंगे, कई मशहूर गाने उन्होंने गाए हैं। तो इंस्टाग्राम पर कनिका कपूर ने कोरोना संक्रमित होने की बात कबूली है, अभी लंदन से वो लौटी थी अपना शो करके और कोरोना पॉजिटिव संक्रमण से वो पीड़ित पाई गई है, उन्होंने ये जानकारी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर दी है। और हम आपको ये भी बता दें कि जो भी लोग विदेश से यात्रा कर लौट रहे हैं, ज्यादातर उन्हीं लोगों में ये कोरोना पॉजिटिव संक्रमण दिखाई दे रहा है। तो आप सभी नागरिकों से यही अपील एबीपी न्यूज लगातार कर रहा है कि दूरी बनाकर रखें, अगर कोई विदेश से लौटता है तो वो खुद अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए अपने को क्वारंटीन करे, यानी अपने को आइसोलेशन में रखे, ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलने से बचे। वो अगर बीमारी के सिम्टम्स नहीं है तो भी आप प्रिकॉशन लें, क्योंकि इस बीमारी के सिम्टम्स हफ्ते भर बाद दिखाई देते हैं। तो कनिका कपूर, बॉलीवुड की जानी मानी गायिका, कोरोना पॉजिटिव, इंस्टाग्राम अकाउंट पर उन्होंने ये जानकारी दी। और भारत में लगातार ये मामले बढ़ते जा रहे हैं, अब तक 195 मामले सामने आ चुके हैं, महाराष्ट्र में ही 47 मामले सामने आए हैं, केरल में 28, यूपी में 16, तो कुल मामले जो हैं वो 195 भारत में सामने आ चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कल अपील की थी पूरे देश से ज्यादा आप घर में रहें, जरूरत ना हो तो बाहर ना निकलें। और रविवार के दिन जनता कर्फ्यू की भी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है,
ताकि हम इस बीमारी का सामना कर सकें, इससे लड़ सकें और इसे फैलने से रोक सकें। लखनऊ के अस्पताल में भर्ती कराया गया है कनिका कपूर को। कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, लंदन में आने के बाद पार्टियों में शामिल हुई थी। तो इस तरीके के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार से सभी को बचने की जरूरत है। अगर आप विदेश यात्रा कर आ रहे हैं तो एबीपी न्यूज आपसे अपील करता है कि आप अपने को आइसोलेट करें, अपने को अलग रखें, मिले जुले ना किसी से। तो मृत्युंजय, मैं आपका एक बार फिर रुख करना चाहूंगी। देखिए, अभी कनिका कपूर का जो केस सामने आया है, ये कोरोना पॉजिटिव संक्रमण इनमें पाया गया है। खुद इन्होंने इसकी जानकारी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर दी है, लेकिन बहुत ही गैर जिम्मेदाराना व्यवहार भी है। आप इतने बड़े बड़े लोग हैं, आपको तो एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। आप लंदन से लौटी और उसके बाद आपने कई पार्टियों में शिरकत की, तो आप पता नहीं कितने और केसेस सामने आएंगे। तो कहीं ना कहीं जागरूकता जो है वो बहुत जरूरी है। मृत्युंजय, आपके इर्द गिर्द भी बहुत भीड़ है। बिल्कुल शोभना, और जागरूकता ये खुद से ही जनरेट करनी होगी, खुद से ही आपको अपील करना होगा, खुद जिम्मेदार बनना होगा, और तब आप सुरक्षित रहेंगे, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, परिसर सुरक्षित होगा, समाज सुरक्षित होगा, देश सुरक्षित होगा। लेकिन जागरूकता की कमी कहीं ना कहीं है, ये आप और हम सब स्वीकार करते हैं। और उसकी तस्वीर बताने के लिए ये देखिए तस्वीरें काफ़ी हैं। मेरे इर्द गिर्द देख लीजिए, जिज्ञासा बसी भले, लेकिन लोग खड़े हैं, काम नहीं है, खड़े हैं। आसपास में गुजरने वाले देखिए वाहन, थोड़ा तस्वीर दिखाऊं आपको सड़क की, आवाजाही पर कोई विशेष फर्क नहीं है। कोई बाइक चला रहा है, नियमों का कोई उल्लंघन करके कोई चलाते हैं। मास्क आपको चेहरे, बहुत कम चेहरों पर मास्क नजर आएगा। लोग काम कर रहे हैं, दुकानें अपने समय पर जो है वहां पे कर्मचारी काम कर रहे हैं। ये हर जगह लॉकडाउन संभव नहीं है, हर जगह पुलिस आकर या बीएमसी के कर्मचारी आकर बंद नहीं करा सकते। ये खुद जिम्मेदारी बनती है कि अगर आप सावधानी बरतेंगे तो आपकी वजह से बहुत से लोग बचेंगे। संक्रमण रोग है ये, और देखिए हमें सीखना चाहिए, चीन से सीखना चाहिए, इटली से सीखना चाहिए कि वहाँ जो केस हुआ हमारे यहाँ ना हो। दुर्भाग्यवश है कि हमारे यहाँ पे चार लोगों की मौत हुई इस वजह से। मुंबई के भी एक नागरिक हैं जो कि दुबई से आए हुए थे, एक बड़े नामी व्यापारी हैं, डायमंड व्यापारी, उनका निधन हो गया। और देखिए उनके परिसर में कई लोगों को पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं, उनके परिवार के कुछ सदस्यों को भी पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। तो ये हमें खुद से जागरूकता लेनी होगी। लेकिन देखिए सड़कों पर ये आप सामान्य आवाजाही है, आप देखिए इस तस्वीर को देख के आप कहेंगे कि ये लॉकडाउन है। आप इन तस्वीरों को देख के कहेंगे टैक्सी वाले हैं वो चले जा रहे हैं, बाइक पर लोग सवार होकर अपने कामों पर जा रहे हैं, यहाँ वहाँ सवारी कर रहे हैं। मैं शेखर कपूर लेके आ रहा हूँ। प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।